Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 5 of the course Network Security. Let us have a look what we have discussed in previous lecture. We talked about security through obscurity. This means that security should be implemented in the design, in the architecture of the network or in the environment. You shouldn't be targeting implementing security by simply hiding things. ये बहुत important चीज है कि हम security design में incorporate करें, क्योंकि अगर हम सिर्फ चीजों को छुपा कर security हासिल करने की कोशिश करेंगे, हमारी security सारी की सारी किसी secret पर depend करेगी, तो चीजें environment उस वक्त तक secure हैं जब तक वो सीक्रेट सीक्रेट है, और जिस वक्त वो सीक्रेट डिस्क्लोज हो गया, सो इसका मतलब ये है कि आपकी सारी की सारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है या कोलैप्स कर जाएगी. सो आप बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी डिजाइन में इंप्लीमेंट करें. एक एग्जांपल के तौर पर हमने ये डिस्कस किया था कि आप एक सेंसिटिव बिल्डिंग है, उसमें आप एंट्रेंस रादर के आप फ्रंट पे सामने करके रखें, आपने एक बैक डोर एंट्रेंस के लिए रखा हुआ है ताकि नॉर्मल पब्लिक को पता ना चले कि इस बिल्डिंग में एंट्रेंस होने का कौन सा एंटर होने का कौन सा रास्ता है. और जो कम उस बिल्डिंग के एम्प्लॉयज हैं उनको सिर्फ उस बैक डोर का इल्म है और वो बैक डोर को यूज करते हुए बिल्डिंग में दाखिल होते हैं. सो आपने सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी हासिल कर ली, जिसका मतलब यह हुआ कि हिडन एक चीज है, हिडन एंट्रेंस है जिसका नॉर्मल लोगों को पता नहीं है, सो आपकी बिल्डिंग सिक्योर है. ये बात उस वक्त तक ठीक है जब तक कि बैक डोर का किसी को पता नहीं है. जिस दिन ये सीक्रेट सीक्रेट ना रहा, बैक डोर का एम्प्लॉयज के अलावा बाकी लोगों को भी पता चल गया, सो आपकी सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी. और अगर इसी चीज को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसका तरीका यह है कि आप डोर यूज करें, फ्रंट पे यूज करें, लेकिन डोर के साथ आप जो है वो अलार्म्स लगा दें, आप सीसीटीवी कैमरास लगा दें, आप डोर आयरन का कर दें, आप वॉल्स ऊंची कर दें, ठीक है, ताकि कोई अनऑथराइज्ड एंट्रेंस वो बिल्डिंग में अलाउ ना की जा सके. सो हम इसको कहते हैं सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्योरिटी. हमने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो X.800 है ITU का स्टैंडर्ड, उसके बारे में भी हमने बात की थी, और हमने देखा था कि X.800 के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में सिक्योरिटी सर्विस क्या चीज है, सिक्योरिटी अटैक क्या चीज है. इंपॉर्टेंटली हमने यह भी डिस्कस किया था कि व्हाट आर एक्टिव अटैक्स एंड व्हाट आर पैसिव अटैक्स. सो इफ यू प्रिसाइसली रिमेंबर, द पैसिव अटैक्स वर दोज वेयर द डेटा इज ओनली रेड, द डेटा इज ओनली ऑब्जर्व्ड, there is only traffic analysis, there is only seeing of data, data को सिर्फ देखा जा रहा है, इसको हम कहते हैं passive attack. जबकि active attack ये है कि ना सिर्फ आपका data receive किया जा रहा है, read किया जा रहा है, बल्कि data को modify करके उसके contents change करके फिर receiver के लिए भेजा जाता है. So ये active और passive attacks को हमने देखा था, हमने मजीद classification भी इसकी discuss की थी. इंपॉर्टेंटली हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. सिक्योरिटी ओवरऑल एनवायरनमेंट को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, हमने ये बात की थी, जबकि प्रोटेक्शन आपके एक्सेस प्रिविलेजेस के बारे में बात करती है, किन यूजर्स को, किन सिस्टम को, किन प्रोसेस को किस चीज की एक्सेस है और क्या चीज उनकी डोमेन से बाहर है. And we discussed this with an example of access matrix where we had domains, where we had objects, and where we had access rights. And we have seen that certain objects have certain rights if they are in a particular domain. And if they want to do some extra action, to perform an extra action, which is not allowed in their particular domain, this means that they do not have the privilege. So, आपने
अपने पूरे सिस्टम की, पूरे मॉडल की, पूरी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की एक एक्सेस मैट्रिक्स बना दी और उसमें आपने सारी ऑब्जेक्ट्स बता दी कि किस ऑब्जेक्ट को किस किस्म के राइट्स हासिल हैं। हमने ये एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि आप किसी इदारे में एम्प्लॉई हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप एक ऑथराइज्ड यूजर हैं उस इदारे के, उस यूनिवर्सिटी के, लेकिन आपको सर्टन चीजों की एक्सेस अलाउड है, सर्टन चीजें आप एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन और एक्सेस मैट्रिक्स में हमने यही बात की थी कि कौन से यूजर्स या कौन से ऑब्जेक्ट्स, उनके क्या क्या राइट्स हैं। इस तरीके से जब तक ये चीज आइडेंटिफाइड नहीं होगी, जब तक ये आपने एक्सेस मैट्रिक्स ड्रॉ नहीं की होगी, आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की सही तरीके से प्रोटेक्ट करने के बारे में आप नहीं प्लान कर सकते। सो आपके लिए जरूरी है कि आप प्रोटेक्शन की जब बात करें, सो एक्सेस राइट्स और एक्सेस मैट्रिक्स बनाकर डॉक्यूमेंट करके आप ये सारी चीजें सामने रखें। लेक्चर नंबर 5 से हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड पार्ट, पार्ट 2, और जो आगे फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी। एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी और आज के लेक्चर के कंटेंट्स क्या हैं? वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स इन अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। वी विल टॉक अबाउट वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस। दीज आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज दैट यू हैव बीन लिसनिंग टू, बट व्हाट दे एक्चुअली डू, व्हाट हार्म दे कैन इंप्लीमेंट और दे कैन प्रोजेक्ट ऑन अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, we will have a look on that, and more specifically we will see what is denial of service attacks and what are its different types. So let us proceed. The objectives of today's lecture are: you will be able to distinguish between different types of security attacks. Remember that each type of security attack can lead towards different security breach, can lead toward category of security. For example, a security attack may lead toward breach of integrity. Another security attack can lead towards denial of service or breach of availability. So we need to identify that which security attack can cause which type of effects or which type of harms to the networking environment. So, let us talk about different types of attacks and threats. If you precisely remember, we talked about that security attack is an action performed by an unauthorized user which can lead towards destruction of data or that can make the data unavailable or that can be harmful in a computing environment in any aspect. So that was a security attacks. These are few names like viruses, worms, Trojan horses, botnet, trapdoors, logic bombs, and spyware, etc. So let us talk about them one by one. The first one is viruses. What is a virus? A virus infects executable programs by appending its own code so that it is run every time the program run. Virus एक small piece of code होता है जो कि आप embed कर देते हैं या जो कि आप किसी actual program में आप append कर देते हैं, और इसका क्या होता है, ये executable file में ये एम्बेडेड होता है। तो जब भी आप वो एग्जीक्यूटेबल फाइल चलाते हैं तो वायरस मेन पर्पस को छोड़कर अपने आप को एग्जीक्यूट करके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और स्पेशली जब आप कोई फ्री वेबसाइट या पे कोई फ्री कॉन्टेंट्स डाउनलोड कर रहे हैं किसी वॉलपेपर की सूरत में या किसी MP3 की फाइल की सूरत में, या आप कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपकी
विंडो पर अचानक एक स्क्रीन अपीयर होती है और वो कहते हैं कि ये डॉट एक्सई है, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने की इजाज़त चाहिए ताकि आप जो आपका डिजायर्ड सॉफ्टवेयर वो आप इंस्टॉल कर सकें। याद रखिए कि ये पर्टिकुलर चीज़ ये एक वायरस हो सकती है। और अभी हमने जिसना बात की कि वायरस एक छोटा कोड है जो कि किसी बड़े प्रोग्राम में अपेंड कर दिया जाता है, और ये जब आप उस एक्जी फाइल को रन करेंगे सो ये छोटा सा प्रोग्राम अपने आप को रन करके सिस्टम को डिस्ट्रक्ट कर सकता है। सो हम प्रीवियसली जिस बात पर डिस्कस करते रहे हैं कि देर इज नेवर अ फ्री लंच, तो इस चीज को जहन में रखिए कि आप फ्री सॉफ्टवेयर्स, फ्री वॉलपेपर्स, फ्री डेस्कटॉप एनवायरमेंट्स ये आप इंस्टॉल ना करें, क्योंकि इनमें वायरस शामिल होने का बहुत ज्यादा डर लगा रहता है। वायरसेस दो तरह के होते हैं या इनके पर्पस दो तरह के हैं, ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और ये स्प्रेडिंग ओनली के लिए भी क्रिएट किए जा सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव वायरसेस का मतलब ये होगा कि दे विल बी डिस्ट्रक्टिंग डाटा, दे विल बी डिस्ट्रॉइंग द कॉन्टेंट्स, दे विल बी चेंजिंग योर डाटा, मैनिपुलेटिंग योर डाटा। फॉर एग्जाम्पल, यू डाउनलोडेड और यू हैड सम वेरी इंपॉर्टेंट डाटा इन योर हार्ड डिस्क एंड अ वायरस इट क्रैश्ड योर हार्ड डिस्क और इट फॉर्मेटेड योर हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ योर डाटा विल बी गॉन। सो दिस टाइप ऑफ वायरसेस दे इंटेंड टू डिस्ट्रक्ट, दे इंटेंड टू डिस्ट्रॉय और अल्टर द डाटा। हाउएवर देयर आर सम वायरसेस हुज पर्पस इज ओनली स्प्रेडिंग, जिसका मतलब ये है दैट दे आर नॉट वेरी डेंजरस, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं होते, आपके डाटा को डिस्ट्रक्ट नहीं करते, लेकिन आपको आप ही का कंप्यूटर यूज करने में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। जैसे दे विल ऑक्यूपाई रैम, दे विल ऑक्यूपाई डिफरेंट सीपीयू रिसोर्सेज और दे विल ऑक्यूपाई सम अदर रिसोर्सेज, सो दैट योर सिस्टम विल बी वेरी बर्डन्ड, वेरी लोडेड एंड द नॉर्मल रूटीन फंक्शंस और द नॉर्मल ऑपरेशंस दैट यू परफॉर्म ऑन योर कंप्यूटर विल बी इफेक्टेड वेरी मच। दे विल नॉट बी डिस्ट्रक्टिंग योर डेटा बट दे विल बी कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। You would have noticed that sometime when you are connected to the internet, after some time, your computer, it becomes very slow. It becomes irresponsive. It responds very slowly. One reason for this could be the viruses which are occupying different type of resources. बाज़ औक़ात आपका कंप्यूटर बिल्कुल स्लो हो जाता है, और अगर आप विंडोज यूजर हैं सो आप टास्क मैनेजर में जाकर देखें तो वहां पे ढेर सारे प्रोसेसेस शो किए जाते हैं, और आप अगर एनालाइज करें तो सर्टन कोई प्रोसेस होगा जिसने ढेर सारी रैम कंज्यूम की होगी या ढेर सारा वो सीपीयू के रिसोर्सेज यूज कर रहा होगा, और आपके लिए वो प्रोसेस अननोन भी होगा। सो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकती है कि ये कोई वायरस है जो कि सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करके आपको आपके रूटीन का काम करने में मुश्किलात पैदा कर रहा है। सो दो तरह के वायरस के मकासद हो सकते हैं, एक का पर्पस डिस्ट्रक्शन और दूसरे का पर्पस स्प्रेडिंग ओनली। और न सिर्फ ये आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे और आपके सिस्टम को इरिस्पॉन्सिव बना देंगे, बल्कि ये डिफरेंट कम्युनिकेशन मीन्स की के थ्रू दूसरे सिस्टम्स और दूसरे एनवायरनमेंट में भी पेंट्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ये अक्सर देखा है कि जब आप यूएसबी किसी कंप्यूटर में कनेक्ट करें और उसमें ऑलरेडी वायरस हो, तो वो वायरस फौरन यूएसबी ड्राइव में ट्रांसफर हो जाता है, और ये यूएसबी ड्राइव अब आप जिस किसी दूसरे कंप्यूटर में लगाएंगे ये वायरस ऑटोमेटिकली वहां पर भी ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर उस कंप्यूटर से कोई दूसरी यूएसबी कनेक्ट की गई तो ये वायरस उस दूसरी यूएसबी में आकर बाकी कंप्यूटर्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
सो इनका मकसद स्प्रेड ओनली होता है. वायरसेस पिछले चंद अरसे से बड़ा हार्मफुल रहे हैं और ये एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट रहे हैं. और इफ वी गो बैक टू द हिस्ट्री, द वायरसेस हैव कॉज्ड सीवियर डिस्ट्रक्शन टू मेनी ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑर्गेनाइजेशन दे हैव लॉस्ट देयर वेरी इंपॉर्टेंट डाटा. सो दे हैव बीन कॉजिंग सीवियर ट्रबल इन इन डिफरेंट कंप्यूटिंग एनवायरमेंट्स. नाउ द वायरसेस हैव बीन transported into further different types like worms, spyware and adware, which are more harmful than your routine virus or than your normal virus. So you can say that the viruses have adopted more sophisticated form, and that is a worm, a spyware or an adware and so on. Viruses can have many types. There can be hundreds and hundreds of different types of viruses. One particular example is boot sector virus. What is boot sector virus? It used to be spread by passing of floppy disks. If you go back 10 or 15 years ago, or maybe 5 or 6 years ago, the computers we had at that time, they had some floppy drive. And we have some small floppy drives which we used to transfer files. I am talking about the floppy drives when the normal USB drive was not in use of the most of the users. So we used to have those floppy drives. So what actually happened was that those floppy drive, either the floppy drive had the virus or the computer had the virus. And when you inserted the floppy drive into the computer, the virus transferred and it propagated. And what actually happened was that it substitutes its code for DOS boot sector or master boot record. We also know that most of the computers back in 1980s and 90s, they used to be booted, they used to be turned on with the help of floppy drive. Aaj computer hum sirf button press karte hain, Windows automatically load ho jati hai. 1980s aur 90s ke computers floppy drive se boot hote the. So ye boot sector virus kya karta tha ke us computer mein jaakar us master boot record ko change kar deta tha aur aapka computer kabhi bhi boot nahi ho pata tha. आपका कंप्यूटर कभी टर्न ऑन नहीं हो पाता था, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पाता था. सो ये एक वायरस की टाइप थी. एक और एग्जांपल देखते हैं बूट सेक्टर वायरस की कि ये कैसे काम करता था. सो वायरस कॉपीज बूट सेक्टर टू अनयूज्ड लोकेशन एक्स. लेट्स से किसी भी मीडियम के थ्रू आया, फ्लॉपी ड्राइव के थ्रू आया या यूएसबी ड्राइव के थ्रू आया, वो सिस्टम में अपने आप को कॉपी कर लेता था. याद रखें कि वायरस जरूरी नहीं है कि जैसे ही किसी सिस्टम में आप इसको ये किसी एनवायरनमेंट में आए तो उसी वक्त असरअंदाज हो जाए और उसी वक्त सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे, बल्कि ये सर्टन कंडीशंस के मीट होने का इंतजार भी करता है. बाज वायरसेस ऐसे हैं जो कि आपके सिस्टम में आ जाते हैं लेकिन वो हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, ये सम केसेस में महीने बाद अपना असर दिखाना शुरू करते हैं और महीने बाद आपके सिस्टम में सिक्योरिटी फ्लॉज आना शुरू हो जाते हैं. So they wait for certain conditions to be met. So इस केस में वायरस कॉपी कर लेता था अपनी लोकेशन, अपने आप को किसी एक लोकेशन पे. फिर क्या करता था कि जो नॉर्मल आपकी बूट ब्लॉक है, जो कोड है जो कि आपके सिस्टम को टर्न ऑन करता है, ठीक है, उस बूट ब्लॉक को अपने से रिप्लेस कर देता था. आपका नॉर्मल कंप्यूटर है वो इस बूट ब्लॉक से लोड होता है. ये बूट सेक्टर वायरस क्या करता था कि अपने आप को इसके साथ रिप्लेस कर देता था और नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते थे तो ये जो वायरस कोड है ये इनफैक्ट एग्जीक्यूट होता था और आपका कंप्यूटर टर्न ऑन नहीं हो पाता था. ये मेमोरी में हाइड हो जाता था, फिजिकल मेमोरी के साइज को ऑक्यूपाई कर लेता था. और न सिर्फ ये,
बल्कि इसका दूसरा ड्रॉबैक ये था, ये इसकी दूसरी लिमिटेशन ये थी कि ये अपने आप को रिमूव करने के लिए भी अलाउ नहीं करता था। ये ऐसी लोकेशन पर अपने आप को कॉपी कर देता था कि अगर इस फाइल को कोई चेंज करना चाहे, इस वायरस को कोई डिलीट करना चाहे, सो अपने आप को ये डिलीट करने के लिए भी नहीं छोड़ता था। न सिर्फ ये बल्कि द अदर ड्रॉबैक फॉर दिस पर्टिकुलर बूट सेक्टर वायरस वॉज दैट वेन एवर अ न्यू रीड राइट डिस्क, अ यूएसबी ड्राइव और फ्लैश ड्राइव वॉज इंसर्टेड इन दैट कंप्यूटर, इट ऑल्सो ट्रांसफर्ड इट्स कोड फ्रॉम द इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू दैट फ्लैश ड्राइव और दैट फ्लॉपी ड्राइव। सो ये पर्टिकुलर वायरस ये क्या करता है, बूट सेक्टर जिसे कहते हैं बूट सेक्टर वायरस, इट विल नॉट लेट यू और इट विल नॉट लेट द यूजर टर्न ऑन इट्स कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर टर्न ऑन नहीं हो पाता था। वायरस की मजीद टाइप्स भी हैं। फर्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस दैट हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स कोड टू अवॉइड डिटेक्शन बाय सिग्नेचर स्कैनर्स। पॉलीमॉर्फिक वायरस सॉर्ट ऑफ वर्सटाइल हैं या डायनामिक इन सेंस में है कि ये अपने अपना कोड या अपनी नौइयत चेंज करते हैं ताकि आपके जो नॉर्मल एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं वो इसको डिटेक्ट ना कर सकें। नॉर्मल एंटीवायरस आप चलाएंगे, ये वायरस अपने कोड को अपने नाम को इस तरीके से चेंज कर लेगा कि एंटीवायरस जब उस कोड को रीड आउट करेगा तो एंटीवायरस के लिए ये कोई वायरस डिटेक्ट नहीं होगा। सो ये एक टाइप है पॉलीमॉर्फिक वायरस की। माइक्रोवायरस क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारे डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, उसमें डिफरेंट मैक्रोज हैं। सो ये मैक्रो बेस्ड एक वायरस है और ये क्या नुकसान करता है एक अगली एग्जाम्पल में देखेंगे। व्हाट इज स्टील्थ वायरस दैट हैज द एबिलिटी टू हाइड इट्स प्रेजेंस फ्रॉम द यूजर। द वायरस मे मेंटेन अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल अनइन्फेक्टेड डाटा एंड मॉनिटर सिस्टम एक्टिविटी। द पॉलीमॉर्फिक वायरस will not let the antivirus software or antivirus program to detect its presence, and the stealth virus is hiding itself, even the user won't be able to detect it. It would be hiding itself in form of some normal file, a routine file, a routine operating system file. The user will not be able to detect, and what will happen, that particular virus will be monitoring what's going on in the system, what information is being transferred or what files have been changed. So it is overall monitoring the activity of that computing environment. Example of macro virus. So if you see this particular lines of code, you will see that it is hardly a couple of lines of code, but it's a visual basic macro virus which will reformat your hard drive. ये दो तीन lines का code एक macro virus है जो कि आपकी पूरी की पूरी hard drive को format करने के लिए काफी है। और आप देख सकते हैं कि ये एक object create करता है scripting.filesystem object के नाम से, और फिर क्या करता है command.com और के फॉर्मेट, लेट से आपकी ड्राइव जो भी है, सी ड्राइव है या डी ड्राइव है, जो भी आपकी ड्राइव है उसको ये फॉर्मेट कर देता है। सो यू कैन सी दैट हाउ सिंपल एंड स्मॉल लाइन ऑफ कोड दिस पर्टिकुलर वायरस इज एंड व्हाट अ सीवियर डिस्ट्रक्शन दिस विल कॉज। सो योर होल सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, योर ऑल कॉन्टेंट्स, ऑल द डेटा दैट यू सेव्ड इन योर हार्ड ड्राइव will be formatted. So this particular line of code is very easy to be executed by a Visual Basic macro. So you can see that how a small virus, a couple of lines of code can cause so much or severe destruction to the system. The
नेक्स्ट टाइप ऑफ थ्रेट टू अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट इज ट्रैप डोर. वी कॉल इट अ ट्रैप डोर और एज अ बैक डोर. एंड दीज आर बिट्स ऑफ कोड एम्बेडेड इन प्रोग्राम्स बाय द प्रोग्रामर्स टू क्विकली गेन एक्सेस एट अ लेटर टाइम. ये पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड प्रोग्रामर्स अपने प्रोग्राम में जानकर इसलिए एम्बेड करते हैं ताकि लेटर ऑन वो इस सिस्टम में एक्सेस कर सकें. वायरस भी लाइंस ऑफ कोड है, ट्रैपडोर भी लाइंस ऑफ कोड है, लेकिन वायरस का पर्पस डिस्ट्रक्शन है या स्प्रेडिंग है. यहां पर ये लाइंस ऑफ कोड ये प्रोग्रामर जानबूझकर छोड़ता है, जानबूझकर भी छोड़ सकता है, या उससे आप प्रोग्रामिंग एरर की वजह से भी ये बैकडोर उसे रह जाता है और लेटर ऑन इसको कोई हैकर या अटैकर इसको एक्सप्लॉइट करके सिस्टम में एक्सेस हासिल कर सकता है. प्रोग्रामर जान के क्यों हासिल, जान के ट्रैपडोर क्यों प्रोग्राम में एम्बेड करेगा, मतलब लेटर ऑन उसको कोई भी सिस्टम में एक्सेस की जरूरत है, वो अपने प्रोग्राम्स जो उसने लिखा है या अपना उसने जो लार्ज प्रोग्राम लिखा है उसकी फंक्शनैलिटी चेक करना चाहता है, उसकी ऑपरेटेबिलिटी चेक करना चाहता है, परफॉर्मेंस चेक करना चाहता है, सो वो ये बैकडोर रख सकता है. एक रीजन ये हो सकती है बैकडोर की. अब जिसने वो प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है, दे डोंट नो दैट समवन इज ऑल्सो एक्सेसिंग अवर सिस्टम, सो दिस कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू योर सिस्टम. द फर्दर डिटेल्स आर अ प्रोग्रामर मे पर्पसली लीव्स दिस कोड इन or simply forgets to remove it, a potential security hole is introduced. And hackers often plant backdoor on previously compromised systems to gain later access. Teen wajuhat ho sakti hai. Ek ye ke programmer ne backdoor rakha hai taake wo later on access kar sake. Dusra reason iska ye ho sakta hai ke programmer se bad programming ki wajah se ye trapdoor reh gaya tha, jiski wajah se ye सिस्टम में, जिसकी वजह से आपके हैकर्स इसको एक्सप्लॉइट करके लेटर ऑन सिस्टम में अटैक करते हैं. और तीसरे इसका यह हो सकता है कि कोई ऑलरेडी सिस्टम इन्फेक्टेड था या कॉम्प्रोमाइज था और उसी में ये बैक डोर हैकर्स प्लेस्ड रखते हैं और हफ्ते बाद, महीने बाद या इवन चंद महीनों बाद दोबारा इस सिस्टम पर अटैक करते हैं. सो दिस इज अ ट्रैप डोर. As I previously mentioned, that not necessarily a threat will quickly or instantly cause trouble to your system, but it will be residing, it will be a resident in your computer, and at certain stage, after some time, after a couple of days, a couple of weeks, or a couple of months, it will start destructing your system. Worms. A worm is a piece of software that uses computer networks and security flaws to create copies of itself. Ek worm virus se is tarike se different hai ki virus lines of code hain jo ki aap kisi main program mein embed kar dete hain. Worm ek complete software hai, ek chote size ka ek small software hai jo ki नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में आ सकता है, ठीक है, और जहां पे ये ढेर सारे नुकसान करता है वहां पे ये करता है कि अपनी कॉपीज बनाता रहता है और नेटवर्क में प्रोपोगेट करता रहता है. आपकी कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क का हिस्सा है और आपके कंप्यूटर में ये कोई वॉर्म आ गया, सो ये क्या करेगा, अपने आप को उस नेटवर्क के थ्रू बाकी कंप्यूटर्स में भी इंजेक्ट करेगा. The first worm that was discovered or developed was in 1988, and that was named as Internet Worm. And what it used to do was that propagated via exploitation of several BSD and send mail bugs. ये worm क्या करता था, आपकी email attachment के through आता था. आपने email खोली, वो attachment open की, आपका system भी infect हो गया और आपके सिस्टम की वजह से आप आगे जिस जिस को ईमेल करते थे ये उसके साथ अटैच होके बाकी कंप्यूटर्स को भी
इन्फेक्ट करता था। सो इसने बहुत ट्रबल कॉज की और इसकी वजह से हजारों लाखों कंप्यूटर्स इफेक्ट हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि मोस्टली लोग इंटरनेट पर ईमेल्स यूज कर रहे हैं, अटैचमेंट्स होती हैं। सो आपने एक यूजर है उसको नहीं पता कि जो अटैचमेंट मैं डाउनलोड कर रहा हूं क्या वो वाकई एक एक जेन्युइन अटैचमेंट है, कोई फाइल है, कोई इमेज है, या ये इटसेल्फ एक स्टैंड अलोन वॉर्म है जो कि मेरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल वॉर्म, इट्स नेम वॉज कोड रेड विच वॉज डिवेलप्ड और क्रिएटेड इन 2001 एंड इट इन्फेक्टेड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम बाय एक्सप्लॉइटिंग अ वल्नरेबिलिटी इन माइक्रोसॉफ्ट्स इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट इंफॉर्मेशन सर्वर में एक वल्नरेबिलिटी थी, उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया गया इस कोड रेड वॉर्म ने, और इसकी वजह से लाखों कंप्यूटर्स इफेक्ट हुए। एक और वॉर्म की एग्जांपल है ब्लास्टर, जिसका नाम था, और ये 2003 में क्रिएट किया गया, एंड इट एक्सप्लॉइटेड अ वल्नरेबिलिटी इन माइक्रोसॉफ्ट रिमोट प्रोसीजर कॉल। मतलब जब आप पार्ट ऑफ नेटवर्क हैं, आप किसी दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, सो ये उस रिमोट प्रोसीजर कॉल आरपीसी सर्विस को एक्सप्लॉइट करते हुए ये इसने इफेक्ट किया, और इसकी वजह से भी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम मुतासिर हुए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रोजन हॉर्स। बिफोर टेलिंग यू व्हाट अ ट्रोजन हॉर्स इज, प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर इमेज। व्हाट यू सी हियर इज दैट is a wooden statue of a horse. This is a historical incident where an enemy wanted to enter into a castle and they did not find any way to enter into the castle. So what they did was, the enemy hid itself inside the wooden statue of the horse. The king brought the wooden statue inside the castle. They enjoyed and they celebrated this wooden horse statue as a gift. And at the night, when everyone was sleeping inside the castle, the enemy, which was hiding inside the wooden horse of the statue, they came out, they opened the castle gate, and their companions and the other army, they entered into the castle and they destructed the whole castle. Trojan horse ka jo concept hai, ye ek English film Troy mein bhi represent kiya gaya hai, jahan pe enemy apne aap ko ek wooden statue of the horse mein hide kar deti hai. King jo hai wo is स्टैचू को गिफ्ट समझते हुए कासल के अंदर ले आता है, ठीक है, और रात को जब सुकून हो जाता है तो एनिमी जो कि इस वुडन हॉर्स के स्टैचू में छुपी हुई होती है वो निकलती है, गार्ड्स को किल करते हैं, और जो इनके बाकी दोस्त कासल के गेट के बाहर इंतजार करते हैं, कासल का गेट खोलते हैं और कासल जो है वो अटैक्ड हो जाता है। सो ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट वहां से आया है। कंप्यूटर्स में भी ऐसा ही है कि ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है या ये एक वैसा अटैक है जो कि अपने आप को हाइड कर देता है, लेकिन ये एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है, वॉर्म की तरह ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वायरस की तरह ये लाइंस ऑफ कोड नहीं है, बल्कि ये अपने आप को किसी इमेज में, किसी और फाइल में, किसी MP3 सॉन्ग में अपने आप को हाइड कर लेता है, और उसके बाद जो है वो उस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और इसके मजीद नुकसान ये हो सकते हैं कि बजाय इसके कि ये सिस्टम को फैसिलिटेट करे, ऑब्वियसली ये सिस्टम को इफेक्ट कर देता है, और यूजर आपका जो ऑथराइज्ड यूजर है वो अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। दी अदर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रोजन हॉर्स इज दैट इट इज एम्बेडेड विद इन और डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर।
as I have been giving you examples previously, that you will be downloading a beautiful wallpaper, but that wallpaper may contain a Trojan horse built in it. So for you, it would be a legitimate software. For you, it would be a legitimate wallpaper, a beautiful MP3 file. But in fact, it would be hiding a Trojan horse within itself. Trojans may look interesting to the unsuspecting user, but are harmful when actually executed. Yes, you will be very happy that you have downloaded a very high resolution wallpaper free of cost, but in fact, you actually have downloaded a Trojan horse, which can be very harmful for your computer. There are two types of Trojan horses. One is useful software that has been corrupted by an attacker to execute malicious code when a program is run. And the second one is standalone program that masquerades as something else, like a game or a neat little utility to trick the user into running it. दो तरह के ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं. एक आपका रूटीन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें यह ट्रोजन हॉर्स को बिल्ट इन कर दिया गया है. अटैकर ने इस ट्रोजन हॉर्स को इस एक यूजफुल सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेड कर दिया है. जैसे कि आप इंटरनेट से फॉर एग्जांपल कोई नया ब्राउजर डाउनलोड करते हैं. अब ब्राउजर एक लेजिटिमेट या एक यूजफुल सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन जो ब्राउजर आप डाउनलोड कर रहे हैं, हो सकता है कि अटैकर ने उसमें एक ट्रोजन हॉर्स बिल्ट इन किया हुआ हो. और जैसे ही आप उस ब्राउजर को डाउनलोड करेंगे और इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, वो ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा. और इसकी दूसरी टाइप ये हो सकती है कि ये ट्रोजन हॉर्स एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम के तहत जो है वो आपके सिस्टम में डाउनलोड किया जाएगा. दैट विल मस्कुरेट. मस्कुरेट का मतलब दैट विल प्रिटेंड, दैट विल रिएक्ट. ऐसा लगेगा कि आप एक यूजफुल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, एक अट्रैक्टिव सा कोई वॉलपेपर है, कोई खूबसूरत सी गेम है, या कोई और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए कोई यूटिलिटी है. लेकिन इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो यूटिलिटी नहीं होगी, वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वो कोई एक अच्छा सा वॉलपेपर नहीं होगा, बल्कि वो एक ट्रोजन हॉर्स होगा जो कि आपके सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है. आपका यूजर ट्रिक हो जाएगा, आपके यूजर को पता नहीं चलेगा और आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो जाएगा. याद रखिए दैट ट्रोजन हॉर्सेस डू नॉट ऑपरेट ऑटोनोमसली. दिस मींस दैट दे नीड टू बी एम्बेडेड समवेयर इन अ सॉफ्टवेयर, इन अ प्रोग्राम, इन अ वॉलपेपर, इन एन इमेज, इन एन MP3 फाइल. सो दे कैन नॉट ऑपरेट, दे कैन नॉट फंक्शन एज अ स्टैंड अलोन बॉडी और autonomously. Further discussion on types of Trojan horses. Some Trojan horses are remote access Trojans or remote control Trojans. These are in fact most dangerous types of Trojans. And why that would be? Because they enable the attacker to read every keystroke of the victim. These type of Trojan may be used to recover passwords and so many other things. This means that the attacker is sitting somewhere remotely, and this particular Trojan is helping the attacker to send the passwords and any key that is stroke, any key that is pressed on the keyboard of the victim. All this information is sent to the attacker with the help of this particular type of Trojan. The other example is proxy Trojans, which provide a relay for an attacker so that he is able to disguise the origin of his activities. So this particular type is letting the attacker help in finding different activities in the user's computer. Another type of Trojan is distributed denial of service zombies. What actually distributed denial of service is, we will be talking about this in detail in next slides, but this is another type of Trojan which
which launch an attack on the large scale in the distributed fashion. So this attack is launched in a distributed manner, and it causes severe trouble to the computers or to the network itself. More types of Trojan horses. One is data sending Trojan. They are used by attackers to gather certain data, for example password specifically, or e-banking credentials. The gathered data is often transferred to a location on the internet where the attacker can harvest the data later on. In the previous slide, we have seen that some Trojans are remote access Trojans or remote control Trojans. This means that they are installed, the Trojan are installed in the victim's computer, and an attacker who is sitting remotely is manipulating the computer. And this particular Trojan is helping the attacker who is sitting remotely. The data sending Trojan does not require an attacker to be sitting at the same time, but what it will do is that it will keep on sending data to somewhere on the internet, and at later stage the attacker will see all the information that has been sent by that Trojan to that location, and will analyze and will see out of this information what belongs to e-banking or what are the passwords of credit card information and something like that, and the attacker can then later on use those credentials and can cause trouble. Some of the Trojans are destructive by nature, and they perform directly harmful activity by encrypting files or by altering the data. This means that if they are installed in a computer, so they will encrypt your own files. Sometime you would have seen that there are folders in your computer, and whenever you want to open or want to gain access to that folder, you will receive a message that you do not have access to use this or to open this folder. This means that you were the owner of this folder, but you have been blocked the permission to access this particular folder. So destructive Trojans kya karte hain ki aapke data ko ya change kar dete hain ya files jo hain wo encrypt kar dete hain. Files encrypt karne ka matlab ye hai ki agar aap usko use karna chahte hain to relevant decryption aapko use karni padegi, aur decryption jo hai wo aapko malum nahi hai, theek hai. So wo encrypted files, आपकी अपनी फाइल्स इनक्रिप्ट हो गई हैं और आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं. इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का फिनोमिना हम इंशाल्लाह लेटर लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अनदर टाइप ऑफ थ्रेट और वल्नरेबिलिटी इज फिशिंग. दिस मींस दैट दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम्स, पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बाय मस्करेडिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये कहूंगा कि आपको आपके मोबाइल फोन पर एक टेलीफोन कॉल रिसीव होती है, और दूसरी साइड पे बोलने वाला शख्स, मर्द या खातून, ये जाहिर करते हैं कि हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं और हमें आपका अकाउंट नंबर चाहिए ताकि हम अपने आपके अकाउंट को हम अपडेट कर सकें. सो अटैकर ने प्रिटेंड किया, एक्टिंग की, मस्कुरेट किया कि वो एक बैंकर है, हालांकि वो बैंकर नहीं है, वो एक अटैकर है. और अगर आपने अपनी बैंक की अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसको दे दी तो इसका मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है. सो दे मस्कुरेट एंड दे वॉन्ट टू एक्वायर यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स. ये भी हो सकता है कि आपके घर के पीटीसीएल फोन पर एक कॉल आए और वो आपसे बात करें कि हम पीटीसीएल के नुमाइंदे हैं और हमें आपका वाईफाई का पासवर्ड वगैरह चाहिए ताकि हम आपके सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकें. इस केस में अगर आप अपने वाईफाई का पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका वाईफाई नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. तीसरी एग्जाम्पल इसकी ये हो सकती है कि आपने
आपके डोर पर, आपके दरवाजे पर नॉक हुई और आपने दरवाजा जब खोला तो कोई सेल्समैन था, वो किसी कंपनी का आइटम जो है वो सेल आउट कर रहा था। अब प्रिटेंड वो ये कर रहा है कि वो किसी कंपनी का नुमाइंदा है और वो कोई सेल्स आइटम आपको प्रेजेंट कर रहा है, हालांकि वो एक अटैकर है जो कि आपके घर में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं उसको देखने आया है और माइट बी वो लेटर स्टेजेस पर कोई अटैक लॉन्च करे। सो फिशिंग अटैक्स में क्या होते हैं कि अटैकर मस्कुरेड करते हुए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपसे हासिल करने की कोशिश करता है। यूं लगता है कि आप किसी ट्रस्टवर्दी एंटिटी से बात कर रहे हैं, हालांकि वो एक अटैक होता है जो कि आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले रहा है। फिशिंग अटैक्स को कैसे रोका जा सकता है? द वेरी फर्स्ट डिफेंस दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट फिशिंग अटैक्स इज रेजिंग यूजर अवेयरनेस एंड यूजर एजुकेशन। मोस्ट ऑफ द यूजर लाइक यू एंड माई सेल्फ, वी आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दीज टाइप ऑफ अटैक्स, दीज टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक्स। So we need to be informed and we need to share this information amongst each other. अगर आपकी ऑनलाइन बैंकिंग configured है, so आपने अक्सर एक मैसेज या बैंक की तरफ से कोई कॉल रिसीव की होगी, वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि हम आपसे पासवर्ड्स और ऐसी इंफॉर्मेशन कभी भी फोन पे नहीं मांगेंगे। और अगर आपको कोई कॉल आए और वो ये जाहिर करने हों कि वो बैंकर हैं और उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो प्लीज अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, अपने पासवर्ड्स वगैरह किसी के साथ शेयर ना किए जाएं। सो एक तरीका है यूजर अवेयरनेस और यूजर एजुकेशन का। फिशिंग अटैक्स से बचने के लिए कुछ टेक्निकल काउंटर मेजर्स भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल और इफेक्टिव जो है वो आपका यूजर अवेयरनेस है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी और अटैक व्हिच इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। वी हैव डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ब्रीच इन अवर फर्स्ट लेक्चर एंड इन सेकंड लेक्चर एज वेल। व्हाट हैपेंस हियर इज दैट दिस टाइप ऑफ अटैक इज अ सर्विस अटैक that attempts to make computer resources unavailable to their intended user. जो आपके legitimate user हैं, जो routine में एक service use कर रहे हैं, एक attack के through उस service को unavailable कर दिया जाता है और आपके legitimate user के लिए वो service deny हो जाती है, वो service available ही नहीं रहती। हम इसको कहते हैं ये denial of service attack है, जिसकी एक एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस की थी कि यू हैव गॉट योर वर्चुअल कॉम्सेट सर्वर कन्फिगर्ड वेयर यू लॉग इन एंड यू सी डिफरेंट असाइनमेंट्स, यू डाउनलोड डिफरेंट लर्निंग कॉन्टेंट्स। नाउ दिस सर्वर इज होस्टिंग और इज सर्विसिंग, इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू मैनी ऑनलाइन वर्चुअल कॉम्सेट स्टूडेंट। So in a denial of service attack, this particular server is attacked and there are so many fake requests launched on this server that you or myself as a legitimate user, if we want to access our own account, we will be denied the service. The server is so busy in responding to the fake requests that the legitimate user, if he or she sends some request to the server will not respond. So this is denial of service attack. The legitimate user has been denied the service to use which he or she wants to in a routine process. DOS attacks are not highly sophisticated but merely bothersome. The purpose of DOS attacks is not usually destruction. DOS attack usually do not destruct data or alter data, but they simply block the access. They simply deny the access and they sometimes become very irritating. For example, if I want to access my bank account online and if my bank server
has been attacked by denial of service attack, then I, as a legitimate user, will no longer be able to access my bank account. This might take a couple of minutes, 5 to 10 minutes, maybe half an hour, and later on it will be resolved. But for that time being, it would be very irritating for me as a user. So it will be troublemaking in the sense that I will be no longer able to use the service for certain time. The best way to stop these type of attacks is to force administrator to restart service or reboot machine. The network administrator, if the network administrator restarts the machine, the server, he restarts the server, the DOS attack restarting the server can be a countermeasure against denial of service attack. So aap server ko restart kar de, aapka denial of service attack se aap jo hai wo chutkara pa sakte hain. Lekin kyunki server hai, हमने देखा कि हमारा नॉर्मल कंप्यूटर रीस्टार्ट करने में 2-3 मिनट्स ले लेता है, तो आपका सर्वर क्या होगा कि उसको 5-6 मिनट्स लग जाएंगे रीस्टार्ट होने में. सो ये 5-6 मिनट जो उसने लिया है रीस्टार्ट होने में, इस टाइम पे मे भी अगर उस सर्वर पे 20 30 या 50 60 रिक्वेस्ट आई हैं, वो सारी की सारी वो रिक्वेस्ट डिनाई होंगी क्योंकि सर्वर अवेलेबल ही नहीं है. सो ये इस केस में, इस सेंस में बॉदरसम हो सकता है. एक छोटे इदारे के सर्वर पर अगर डॉस अटैक होता है तो वो इतना शायद नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए डॉस अटैक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है. आप एज्यूम करें हमारे पास डिफरेंट वेरी मेगा बिजनेस जॉइंट्स हैं, जैसे अमेजोन, ईबे. अगर ईबे के सर्वर पर डॉस अटैक हो जाता है और ईबे का सर्वर अगर लेट से 10 मिनट के लिए भी अवेलेबल नहीं है, सो 10 मिनट में वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ब्लॉक हो जाएंगी, डिनाई हो जाएंगी और उनके बिजनेस को अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा. इसी तरह अमेजोन का है सर्वर, अगर वहाँ पे एक मिनट में हजारों रिक्वेस्ट्स आ रही होती हैं और वो सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, अगर उस एक मिनट में डॉस अटैक लॉन्च हो जाए तो हजारों यूजर्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम सफर करेंगे और उनको वो सर्विसेज नहीं मिलेंगी, जो कि अल्टीमेटली बिजनेस के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है. डॉस अटैक की डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं. ये देखना पड़ता है कि डॉस अटैक लोकली लॉन्च हुआ है या रिमोटली लॉन्च हुआ है. लोकल होगा तो उसके अपने नुकसान होंगे और रिमोट होगा तो उसके अपने नुकसान होंगे. लोकल होगा तो वो रिसोर्सेज को किसी और तरीके से एग्जॉस्ट करेगा, और अगर रिमोट होगा तो वो किसी और तरीके से रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करेगा. लेट अस हैव अ लुक ऑन मोर कैटेगरीज ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक थ्रू सम मोर डिटेल्स. फर्स्ट वन इज डिनाइल ऑफ सर्विस स्टॉपिंग सर्विसेज लोकली. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हुआ जिसने आपकी लोकल सर्विसेज को स्टॉप किया. So it is easy if an attacker has already gained root access. Root access means administrator access. He could simply shut down the service or reconfigure the service. अगर ये DOS attack आपकी अपनी किसी local machine पर हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि वो उस service को बंद कर दे. Let's say email service है, email service को उसने shut down कर दिया या email service को उसने reconfigure कर लिया. So ये locally उस machine पर effect हुआ है. और if an attacker has a normal account on the system, he could try to become root using an exploit to perform any of the activities listed above. दो बातें हो सकती हैं. एक ये है कि अगर local attack हुआ है और अगर उसके पास administrator privileges हैं, so वो being an administrator उस service को या shutdown कर देगा या reconfigure कर देगा. और अगर ये denial of service attack normal account से हुआ है, यानी कि administrator नहीं था, सो वो क्या करेगा कि अपने आप को रूट या एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस हासिल करने की कोशिश करेगा और उसके बाद कोई भी काम कर सकता है कि लेटर ऑन सर्विसेज को शट डाउन कर ले या सर्विस को रीस्टार्ट कर दे. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एग्जॉस्टिंग रिसोर्सेज के लिए क्या होगा लोकली की अगर हम बात कर रहे हैं, सो उसमें क्या होगा, एन अटैकर माइट ट्राई टू रन अ प्रोग्राम दैट ग्रैब्स रिसोर्सेज ऑन द टारगेट मशीन इटसेल्फ. इसका मतलब यह है कि अटैकर
का टारगेट ये होगा, अटैकर की कोशिश ये होगी कि सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को वो क्रैश कर सके, सारे रिसोर्सेज को वो हासिल कर सके. एंड मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स अटेम्प्ट टू आइसोलेट यूजर्स टू प्रिवेंट वन यूजर फ्रॉम ग्रैबिंग ऑल सिस्टम रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिंग रिसोर्स में क्या है कि आपका एक यूजर है या कई यूजर्स हैं और वो सिस्टम के रिसोर्सेज यूज करते हैं. एक अटैक की सूरत में वो एक यूजर या सारे के सारे रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है या बाकी यूजर्स के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं रहते. सो इसमें इसको इस टाइप के अटैक से एग्जॉस्टिंग रिसोर्सेज लोकली से बचने का एक ये तरीका होता है कि आपके बाय डिफॉल्ट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज बिल्ट इन होती है बाय डिजाइन कि वो किसी एक यूजर को सारे रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करते. इफ दे हैव मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड सो द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन डिजाइंड इन द वे दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रांट्स एक्सेस टू ऑलमोस्ट ऑल द यूजर्स इन अ फेयर फैशन. इंट्रूडर्स ऑफन फाइंड वेज अराउंड दीज अटेम्प्ट्स और मे ट्राई टू बिकम रूट बाय यूजिंग एन एक्सप्लॉइट. Intruders or attackers, they are always trying to penetrate into the system and to exhaust the resources. Common methods of exhausting resources are filling up the process table. So usually these exhausting resources, denial of service attack is on operating system. And there are different process tables, there are just different file systems. So in this type of attack, those process tables or file system tables are affected and the normal user, the legitimate user, can no longer be entertained and can no longer be provided the services. Or it can send traffic and fill up the communications list. So it will exhaust the resources. It will fill up the process table, the file system or the communication list so that the legitimate user, he or she may be denied access. Now the second type is stopping services remotely. In this type of denial of service attack, this is much more popular than local denial of service attack because the attacker does not need a local account on the target machine. The difference between stopping service locally and remotely is that in local denial of service attack, the attacker needs a administrator account. However, here the attacker does not need an administrator account and he can still launch the attack through some remote location. How can it be launched? It can be launched by sending a malformed packet. Obviously, if it is a remote attack, then the server will be sent some data, some packets. And once the server will receive this malfunction, the wrong or corrupted packet, the system will either crash, either will restart, or it will not be responding to the legitimate users. And this malformed packet is entirely based on the TCP/IP packet format, or some network protocol can be used in order to launch or in order to send this malformed packet. So obviously, if something is coming from the internet or from remote site, then the TCP/IP protocol stack and the packet itself are involved. And in this particular case, the malformed packet, the corrupted packet is sent to the server, and the server will be not responding to the legitimate user. The denial of service exhausting resources through remote is also a very severe type of denial of service attack, where the attacker tries tying up all resources of the target system. The attacker will launch this attack from a remote location and will block all the resources. The difference between exhausting resources locally and exhausting resources remotely is that in local, the attacker has got an administrator account and he is sitting on the machine. He is locally available. However, in remote attack, as the name indicates, the attacker is somewhere in the remote location and
the attacker has sent some packets or is configuring the server in such a way that the resources are no longer available. One example is sink flood, and what actually happens in sink flood attack is that during a sink flood, an attacker will send a lot of sink packets with a spoofed unresponsive source address to the target and never complete the handshake to fill up the connection. We know that whenever there is a TCP handshake, it's a three-way handshake. The sender sends some request, the server responds to that, then there is an acknowledgement, and then the connection is established. So whenever there is an exhausting resource remotely denial of service attack, so the attacker will send a packet, a three-way handshake request in such a way that server will no longer be able to establish a connection. There will be an IP packet, there will be an IP address. If the server replied to that address will remain irresponsive and no reply will be coming, and the server will keep on in waiting and waiting condition and will become irresponsible. So the address to the target and never complete the handshake. So the handshake will never complete. So this is one example of denial of service exhausting resources attack. Another type of attack is distributed denial of service. As the name indicates, this attack comes in a distributed fashion. We know that we have just seen, हमने अभी बात की कि denial of service attack में आपके resources को इस तरीके से occupy कर दिया जाता है कि आपके legitimate users उन resources को use नहीं कर सकते हैं. Denial of service attack को रोकने का एक तरीका यह है कि network administrator machine को restart कर ले, जिसकी वजह से वो attack से बचा जा सकता है. या in some cases में यह देखा जाता है कि अगर किसी एक आईपी एड्रेस से ढेर सारी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, सो उस आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया जाता है. ये एक बड़ा अच्छा तरीका है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से बचने का. लेकिन हम जानते हैं कि हैकर और अटैकर वो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो क्या करते हैं कि वो फिर एक आईपी एड्रेस से डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक लॉन्च नहीं करते, बल्कि वो मुख्तलिफ लोकेशन से या मुख्तलिफ आईपी एड्रेसेस से लॉन्च अटैक लॉन्च करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में, तो जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स. इसमें डेमन्स होते हैं, स्लेव्स होते हैं, और जॉम्बीज और एजेंट्स होते हैं. सो जॉम्बीज क्या होते हैं? पुअरली सिक्योर्ड मशीन्स दैट आर एक्सप्लॉयटेड. जिस मशीन पर अटैक होगा उसको जॉम्बी कहते हैं. मशीन्स दैट कंट्रोल एंड कमांड द जॉम्बीज आर कॉल्ड मास्टर्स और हैंडलर्स. अब इन मशीन्स को जो कि अटैक हुई हैं, इनको जो कंट्रोल कर रहा है उसको हम मास्टर कहते हैं. याद रखिएगा कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में अटैकर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो एक इंसान हो, बल्कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी लॉन्च किया जा सकता है, किसी और कोड के थ्रू भी लॉन्च किया जा सकता है, किसी और मशीन के थ्रू भी लॉन्च किया जा सकता है. सो अगर ये मशीन उस अगर ये मशीन दैट कंट्रोल्स एंड कमांड्स दी जॉम्बीज आर, इनको हम मास्टर्स कहते हैं या हैंडलर्स कहते हैं, जो कि जिन मशीन्स पर अटैक लॉन्च हुआ है उसको कंट्रोल कर रही हैं, हम कहते हैं कि ये मशीन्स या मास्टर्स हैं या हैंडलर्स हैं. एंड अटैकर वुड लाइक टू हाइड ट्रेस, ही हाइड्स हिमसेल्फ बिहाइंड मशीन्स दैट आर कॉल्ड स्टेपिंग स्टोन्स. मशीन्स यूज करने का पर्पज ये है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के लिए कि हैकर की आइडेंटिटी हमेशा हिडन रहे, हैकर के बारे में पता ना चले. अगर अटैक को ट्रेस करने की कोशिश भी की जाती है तो सर्वर की इंफॉर्मेशन सिर्फ मिलेगी, जो शख्स बैठा उन मशीन्स को कंट्रोल कर रहा है जो अटैकर है उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा हिडन ही रहती है. सो वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स. सो डू यू थिंक दैट ग्रेट प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ अटैक्स, इन ऑर्डर टू बी इन ऑर्डर टू मेक सम काउंटर मेजर्स अगेंस्ट दीज टाइप्स ऑफ अटैक्स? रिमेंबर,
the hackers and attackers, as we have been talking this, that they are expert level programmers. They are not ordinary programmers, but they are expert level programmers. They know most of the programming concepts. And the important thing is that they do not create vulnerabilities. They do not create loopholes in the system. They simply exploit the existing ones. They simply find the loopholes in the system and then launch attack through that vulnerability, through that loophole, and exploit that loophole. So to become resilient against these types of threats and to know the programming level of attackers and to determine the bug, yes, you need great programming. You must be an expert level programmer in order to be effective against these different types of attacks. Let us conclude today's lecture, and here is the summary of today's lecture. We have discussed in detail about different types of security attacks that a computer system is vulnerable to or can be vulnerable to. We have seen some famous attacks such as viruses, worms, denial of service attack, and Trojan horses, etc. We have seen that different types of security attacks can be harmful in different fashion, in different ways, and can be destructive, can cause trouble or destruction to the data, or in some cases, their purpose is only spreading. We have also seen that for different types of attacks, there are different countermeasures and there are different solutions. In next lecture, we will be discussing more detail about denial of service attack. We will also be having a look at how denial of service attack can cost millions of dollars to the companies or to the organizations. And there will be some more discussion on distributed denial of service attack. Hopefully, you have enjoyed today's lecture and you have learned some basic understanding about different types of security attacks and different countermeasures that are used to make your system or computing environment resilient against these types of attacks. I will see you with more details in next lecture. Thank you for now. Goodbye and Allah Hafiz.